दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना की, जो कि लगातार मैं अपडेट देता रहता हूं। आपको एक बेहतरीन यहां पर अपडेट देना चाहूंगा कि अगर पीएम किसान योजना का जो पोर्टल था उस पर एक नया ऑप्शन आ चुका है डैशबोर्ड का, तो उस डैशबोर्ड के थ्रू आप क्या काम कर सकेंगे और किसानों के क्या लाभ होगा अगर आप इस स्कीम से जुड़े हैं पीएम किसान योजना से, तो उसमें डैशबोर्ड का जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं और क्या क्या अपडेट्स हैं और उसका क्या आप पर बेनिफिट है, पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। आप बने इस वीडियो में लगातार। और अगर आपने अभी तक हेल्प इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो लगातार आप लगातार देखते रहें, क्योंकि पीएम किसान योजना की पल पल की न्यूज हमेशा आपको मैं अपडेट देता रहता हूं। तो चलो पूरा डिटेल जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर ज्यादा डिटेल जाननी है, आवेदन कैसे करना है या और भी कुछ कैसे क्या करना है, मैं बताऊंगा। यहाँ पर एक सवाल और आता है, अगर आप सीएससी वैली हैं तो आपका लॉगिन नहीं हो रहा, तो कैसे लॉगिन होगा, मैं उसका भी थोड़ा आपको सोल्यूशन बता दूंगा, शायद आपको समझ में आ जाए और आपका भी लॉगिन हो जाए, इसलिए वेट करें। फिलहाल आज हम बात कर लेते हैं कि पीएम किसान योजना के पोर्टल पर जैसे आप आते हैं, देखिए pmkisan.gov.in पर, इस पर जैसे आते हैं तो यहाँ पर एक नया आपको ऑप्शन मिल रहा है, ये डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा एग्रीकॉप डैशबोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड द फार्मर्स वेलफेयर। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग स्कीम्स के यहाँ पर ये पॉपअप टाइप का बनता है, नया डिजाइन है। और यहाँ पर देखिए अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो उभर कर ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मतलब जो पीएम मोदी ने अभी तक स्कीम शुरू की है किसानों के लिए वो सभी यहाँ पर शो कर रही है। देखिए जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बात करें सॉयल हेल्थ कार्ड, ये भी किसानों के लिए होता है, सॉयल हेल्थ कार्ड बनता है जो मिट्टी की गुणवत्ता को जांचता है, उसका भी स्कीम चालू है, वो भी आप करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर ग्राफ में दिखाया है टारगेट कितना है, इतना यहाँ पर सैंपल टारगेट किए गए जिसमें इतने कैंसल्ड हुए, इतने टेस्टेड हुए हैं, सब कुछ यहाँ पर दिखाता रहता है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि हम अपडेट दे रहे हैं वो भी यहाँ पर लगातार देखिए ये स्कीम आ रही है। जैसे हम नीचे आएंगे सब मिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, तो ये एक स्कीम है किसानों के लिए, वो भी यहाँ पर हाईलाइटेड की गई है। अगर बात करें नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, वो भी ई नेम जो कि मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था, वो भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन स्कीम है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, मैंने पहले अपने वीडियो बना रखा है इस चैनल पर, मैं समय आने पर इस पर एक और वीडियो क्रिएट करूंगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन स्कीम है किसानों के लिए। और ऑनलाइन पेस्टिसाइड रजिस्ट्रेशन सिस्टम OPRS, ये भी एक नई स्कीम किसानों के लिए स्टार्ट की गई है। किसान कॉल सेंटर, ये भी यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर टोटल कॉल्स ये दिखाता है, सब कुछ यहाँ पर दिखाता रहता है। और ये प्लांट क्वारंटाइन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मतलब जितनी भी किसानों के लिए यहाँ पर स्कीम शुरू की गई हैं वो सारी स्कीम्स यहाँ पर हाईलाइटेड की गई हैं। जैसे जैविक खेती अभी स्टार्ट किया गया हाल ही में दोस्तों, सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल्स, मतलब जितनी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, एग्री, तो बहुत सारी स्कीम्स जो किसानों को, सब कुछ यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। लेकिन इसका मोटिव है, जैसे सब उधर हम बात करें प्रधान फसल बीमा योजना, इसमें क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इनकी जो वेबसाइट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, उस पर आपको ये रिडायरेक्ट कर देता है। तो देखिएगा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाते हो, यहाँ पर पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। कुल मिला के गवर्नमेंट का ये मोटिव है कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के डायरेक्टली पोर्टल से आप किसी भी पोर्टल पर विजिट करें, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर स्कीम मिल जाती है। जैसे किसान, अगर हम बात करें ये किसान, सॉरी ये क्या नाम, किसान कॉल सेंटर की, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए बार चार्ट, पाई चार्ट, किस पे आप देखना चाहते हैं, स्टेट आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ दिखाता है पूरा डिटेल। कुल मिला के गवर्नमेंट का ये मोटिव है कि आप हर एक किसान जो भी है हर एक स्कीम को रूबरू हो सके और उसको जान सके। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये अच्छा सोचना है और इससे काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा किसानों को, क्योंकि किसानों को यही नहीं पता चल पाता था कि हमारे लिए कौन सी स्कीम चलाई जा रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं बेहतरीन एक उपाय है। और अब हम बात कर लेते हैं कि आपको लॉगिन कैसे करना है। अगर आप सीएससी वैली हैं तो आपका लॉगिन नहीं हो रहा होगा, तो उसके लॉगिन करने के लिए डिजिटल सेवा पोर्टल पे आपको पता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाइव हो चुकी है बट लॉगिन नहीं हो रहा है, तो सिर्फ मैंने एक लिंक दिया है। सबसे पहले मैंने वेबसाइट का लिंक दिया, जैसे वेबसाइट पर आएंगे तो उस वेबसाइट पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिलता है क्लिक हियर फॉर पीएम किसान योजना सीएससी लॉगिन,
इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपसे पीएम किसान के पोर्टल पर लेकर आ जाता है। आपको सबसे पहले सीएससी लॉगिन पर क्लिक करना होगा और सीएससी लॉगिन पर क्लिक करना होगा तो अपना यहाँ पर अपना जो भी आपका आईडी पासवर्ड मतलब सीएससी आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो चलो मैं पहले सीएससी आईडी और पासवर्ड यहाँ एंटर कर लेता हूँ। बार बार एंटर करने पर भी दोस्तों काफ़ी लोगों का ये लॉगिन नहीं हो रहा है, वहीं पर घुमा फिरा के वो वहीं ले जाता है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन फिलहाल आप देखिए मेरा अब पहली बार भी लॉगिन हो गया, हो सकता है आपका ना हो रहा हो लॉगिन। तो आप इस लिंक को pmkisan.gov.in/cse/redirect-to-cse.aspx इस वेब इस वाले लिंक को कॉपी कर लें। वो लिंक मैंने यहाँ पर दिया है दोस्तों, इस पर जैसे आप यहाँ पर आएंगे कॉपी करेंगे ओपन लिंक तो आप डायरेक्टली इसी लिंक पर जाएंगे। तो इस वाले लिंक से आप डायरेक्टली आएंगे, अगर ये वाला लिंक खुल रहा है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर जाएंगे, अन्यथा लॉगिन नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम थी जो मैंने बता दिया। और जो डैशबोर्ड वाला ऑप्शन है तो गवर्नमेंट का सोचना कहीं बेहतरीन है। आप क्या सोचते हैं इस स्कीम के बारे में और इस पहल के बारे में गवर्नमेंट के, मुझे कमेंट करके बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। और किसी और जो भी आप इसके लिए अपना कमेंट करना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।